आज का टॉपिक है स्टराइल फॉर्मुलेशंस। स्टराइल फॉर्मुलेशंस होते क्या है? स्टराइल फॉर्मुलेशन आर डोजेस फॉर्म ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट दैट आर फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स स्टराइल मीन्स एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टराइल फॉर्मुलेशन वो होती है जिन डोजेस फॉर्म में जो थेरेप्यूटिकली यूज होती है और वो उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। means it should be free from microorganism. These include parenteral, ophthalmic and irrigating preparations. इसमें कौन कौन सी preparations आती हैं? Parenteral preparations हैं, ophthalmic की सारी जो preparations हैं formulation ही sterile formulation में आती है, sterile products में आती है. As they are incorporated into the first line defense, that is skin, mucus, membrane and they must be free from microbial contamination and toxic component. जो भी स्टराइल फार्मुलेशन होती है इनको हम इंजेक्ट कहाँ करते हैं? स्किन में करते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस डिफेंस लाइन फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है हमारी बॉडी की। तो ये जो भी पेरेंटल फार्मुलेशन या जो भी स्टराइल फार्मुलेशन होनी चाहिए ये फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होनी चाहिए। पेरेंटल प्रिपरेशंस मे बी गिवन थ्रू वेरियस रूट्स, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड इंट्रापेरिटोनियल। When injections given through IV route, complete drug availability occurs immediately. No absorption is necessary. तो ये तो ऐसा सबको पता है कि जो IV route से जो भी drugs दी जाती हैं उनकी जो availability होती है body में availability वो क्या होती है? Quick होती है, जल्दी होती है, immediately होती है और उसमें किसी भी absorption की ज़रूरत नहीं होती है। For all other routes, at least a blood vessels and usually one or more tissue cells walls must be permeated through before the drug can enter the circulation. लेकिन अगर हम कोई किसी अदर रूट की बात करें, oral रूट या दूसरे routes की बात करें तो क्या होता है? Intramuscular या intraperitoneal इनकी बात करें तो जो हमारी जो ड्रग होती है उसको एटलीस्ट एक ब्लड vessels से क्रॉस होके जाना पड़ता है सर्कुलेशन। बात करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन के फायदे क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। तो पेरेंटल प्रिपरेशन उन पेशेंट्स को देखते हैं जिनको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, जिन्हें हम अनकॉन्शियस पेशेंट कह सकते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम पैरोजेंस। पैरोजेंस क्या होते हैं? फीवर कॉजिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो भी होने चाहिए हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन ये पैरोजन फ्री होने चाहिए। लो टॉक्सिसिटी होनी है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। 100% अवेलेबिलिटी होती है। नो चांसेस ऑफ मिसिंग डोज। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसको बनाने के लिए एसेप्टिक टेक्निक की जरूरत होती है। मीन्स ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फार्मुलेशन में ना एंटर करें। किसी ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है, लाइक अगर इंजेक्शन किसी को इंजेक्ट करना है तो ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी कॉस्ट हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर डोजेस फॉर्म एंड इंजेक्शन का यूज पेनफुल हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टराइल प्रोडक्ट्स। सो टाइप्स ऑफ स्टराइल प्रोडक्ट्स इंजेक्शंस हो सकते हैं। इंजेक्शन में भी एक्वस सॉल्यूशन, ऑयली सॉल्यूशन, एक्वस सस्पेंशन और ऑयली सस्पेंशन। एन इंजेक्शन मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर कंडीशन दैट रिजल्ट इन प्रोडक्ट कंटेनिंग द मिनिमम पॉसिबल लेवल ऑफ पार्टिकल्स एंड पैरोजेनिक सब्सटेंसेस। मीन्स इंजेक्शन को ऐसी जगह मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ऐसी कंडीशंस में मैन्युफैक्चर करना चाहिए कि जहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन या पैरोजन सब्सटेंसेस के इंटर करने की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो या ना के बराबर हो। इट्स फार्मुलेशन एंड पैकेजिंग मस्ट मेंटेन फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द इंटेंडेड सेल्फ लाइफ ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स जो भी हमारा फार्मुलेशन हो वो फिजिकली केमिकली स्टेबल हो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जब हम उसको बना रहे हैं, जब तक वो मार्केट में आ रही है या जब तक उसको पेशेंट एडमिनिस्टर कर रहा है, उस टाइम पीरियड में उसकी जो फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स। तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस और ड्रिप्स that are infused at various rate 50 to 500 ml per hour into venous system. They are generally sterilized in an autoclave. Especially include examples include isotonic solution of sodium chloride or glucose that are used to maintain fluid and electrolyte balance for replacement of extracellular body fluids. Example after surgery or prolonged period of fluid loss as a supplementary energy source
1 लीटर 5% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज, इट्स 714 किलो जूल ऑफ एनर्जी और एज अ व्हीकल फॉर ड्रग्स। तो जो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स होते हैं इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्लूकोज की बॉटल जो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं आफ्टर सर्जरी, ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ाई जाती है, या किसी को वीकनेस आती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हो जाता है उस कंडीशंस में जो बॉटल्स का यूज करते हैं ग्लूकोज की बॉटल्स का, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स। ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ईसीएफ के रिप्लेसमेंट को मेंटेन करते हैं और एज अ सप्लीमेंट्री एनर्जी सोर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम 1 लीटर और 5% वेट बाय वॉल्यूम जो ग्लूकोज होता है अगर उसकी बॉटल अगर किसी को दी जाए तो वो जो है 714 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड एनर्जी सोर्स लाइक ग्लूकोज एंड फैट इन द लॉन्ग टर्म फीडिंग ऑफ पेशेंट हु आर अनकॉन्सियस और अनएबल टू टेक फूड। ऑल आर मोस्ट ऑफ द इंग्रेडियंट्स टू फीड अ पेशेंट फॉर वन डे आर कंबाइंड एसेप्टिकली इन वन लार्ज कोलेप्सिबल प्लास्टिक बैग्स, द कंटेंट ऑफ विच आर इन्फ्यूज्ड ओवर 12 to 24 hour पीरियड। मीन जो टीपीएन होते हैं, टोटल पेरेंटल फ्लूइड होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं अमीनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, फैट, ग्लूकोज, फैट, जो कि दिया जाता है पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म फीडिंग के लिए, ऐसे पेशेंट को जो कि फूड लेने में अनेबल होते हैं, अनकॉन्सियस होते हैं। ऑल आर मोस्ट ऑफ द इंग्रेडियंट टू फीड अ पेशेंट फॉर वन डे आर कंबाइंड डिसिप्लिन इन वन लार्ज कोलेप्सिबल प्लास्टिक बैग, द कंटेंट ऑफ विच आर इन्फ्यूज्ड ओवर 12 to 24 hour पीरियड। ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन एंड द एडिशन ऑफ विटामिन, ट्रेस एलिमेंट मस्ट बी कैरिड आउट विद ग्रेट केयर अंडर एसेप्टिक कंडीशन टू अवॉइड द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। जो भी अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन, इनका जो इनको जो दिया जाता है ये जो है मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। दिस सॉल्यूशन ऑफन प्रोवाइड गुड ग्रोथ कंडीशन फॉर बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। फैट्स आर एडमिनिस्टर्ड एज ऑयल इन वाटर इमल्शंस कंप्राइजिंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ सूटेबल वेजिटेबल ऑयल्स इमल्सिफाइड विद एग्लिसरीन एंड स्लाइड बाय ऑटोक्लेविंग। In many cases, the fat emulsion is added to 3 liter bag. Thus, the TPN fluids are complex mixture and multitude of potential interaction, both chemical and physicochemical, may occur between their individual components, resulting in decomposition, creaming, precipitation, or even the formation of toxic byproduct. Trace elements, calcium, vitamins, and lipids are particularly prone to affecting the stability. So, TPN mainly मेन पॉइंट इज TPN जो होता है ये मिक्सचर होता है अमीनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है जिन मिनरल्स की या जो भी न्यूट्रिएंट्स की उनको प्रोवाइड करता है, ऐसे पेशेंट को दिया जाता है ये जो कि अनकॉन्शियस होते हैं, फीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये TPN न्यूट्रिशन दिया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन की, तो ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन और आई प्रिपरेशन ये शुड बी स्टराइल लिक्विड होती हैं, सेमी सॉलिड या सॉलिड प्रिपरेशन दैट मे कंटेन वन और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू कंजक्टिवा, द कंजक्टिवा सैक और द आईलेट्स। तो ये क्या होती है, स्टराइल लिक्विड होती है, लिक्विड मिक्सचर लिक्विड होते हैं जो कि सेमी सॉलिड सॉलिड प्रिपरेशन का मिक्सचर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इंग्रेडियंट्स का। दे आर स्पेशलाइज डोजेस फॉर्म डिजाइन टू इंस्टेंट ऑन टू द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ आई। टॉपिकली भी यूज करते हैं, इंट्राकुलर भी यूज करते हैं, पेरी ऑकुलर भी यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड ऑप्थाल्मिक डोजेस फॉर्म आर सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड ऑइंटमेंट। द न्यूएस्ट डोजेस फॉर्म फॉर ऑप्थाल्मिक ड्रग डिलीवरी आर जेल्स, जेल फॉर्मिक सॉल्यूशन, ऑकुलर इंसर्ट, इंट्रावेट्रल इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट। जो भी नए जो ऑप्थाल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आए हैं वो हमारे ऑकुलर इंसर्ट्स हैं, इंट्रावेट्रल इंजेक्शंस हैं, इम्प्लांट्स आए हैं, जेल। फायदे क्या है, एडवांटेज है, ईजिली एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्स, एडमिनिस्टर्ड कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, क्विक एब्जॉर्प्शन होता है, लेस विजुअल एंड सिस्टमिक साइड इफेक्ट होते हैं, इंक्रीज सेल्फ लाइफ होती है एंड बेटर पेशेंट कंप्लायंस होता है।
डिसएडवांटेजेस की बात करें तो द वेरी शॉर्ट टाइम द सोल्यूशन स्टेज एट द आई सर्फेस, जब भी हम आंखों में डालते हैं तो बहुत जल्दी ये स्लिप कर जाती है। पुअर वॉल्युबिलिटी होती है, और जो भी डिजॉल्व ड्रग्स होती हैं उनकी इनस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ड्रग प्रिजर्वेटिव की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टराइल फार्मुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्थाल्मिक प्रिवेंशन आई ड्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।